हाँ तो मान लेंगे हम। आप माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा थोड़े है कि आप अभी आपको हम खड़ा होने बोले, आपको हम खड़ा होने बोले, आपको बोले खड़ा होने, बड़ी बड़ी आपको बार बार आग्रह किया गया कि आप बैठिए, हम बुलवाते हैं फिर आपको बोलने के लिए देते हैं, आप खड़ा हो जाए। इसको इसको थोड़ा इसको आसन के तरफ से थोड़ा स्पष्ट कर दिया जाए क्या, अगर अगर यदि आप हम लोग को समय देंगे तो मेरा ये आग्रह होगा, अगर यदि मुझे तो मेरे एक सदस्य पहले बोलेंगे, उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो भी बोल रहे हैं पार्टी की तरफ से बोले, उसके बाद शेष की तरफ मैं बोलूंगा, उसके बाद सरकार का उत्तर होगा, अगर यदि आप ये करते हैं जो भी हम लोग को देना है। और नहीं तो आप ऐसा करें कि बाकी झारखंड मुक्ति मोर्चा, मेरा आग्रह है आसन आप सर्वोपरि है, आप उधर से बोल दिए ताकि वाद विवाद में हम लोग कुछ बोल सके, नहीं तो हम एक बार बोल देंगे बैठ जाएंगे, उसके बाद लगातार आप कांग्रेस बोले, झारखंड मुक्ति मोर्चा बोले। अमर बाबू हमको लगता है कि अनावश्यक बात हो रहा है, आप आवश्यक बात पर आवश्यक बात पर आइए। नहीं महोदय वाद विवाद फिर कहाँ हो रहा है, ठीक है आपका बात मैंने सुन लिया, हम प्रयास करते हैं बातों को रखने के लिए, आप आपका बात रखने का प्रयास कर रहे हैं, आप बोलिए बोलना पड़ेगा। आप इस चीज को बोल दें, ये आप करेंगे तो मैं एक प्रस्ताव का नाम दे रहा हूँ, आप मेरी तरफ से एक बोलने के लिए मौका दीजिए, लास्ट में मैं बोल दूंगा उधर से होने के बाद, उसके बाद सरकार का उत्तर हो जाए, सरकार का उत्तर हो जाए उसके बाद। नहीं देखिए ये परिपाटी में हमको लगता है कि जब आसन से नाम पुकारा गया है अमर बाबू, और आप भी आसन के एक पार्ट हैं, आप नेता पक्ष और नेता विपक्ष दोनों संचालन में पार्ट होते हैं, तो आप अगर थोड़ा बोल लेते तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत और नहीं जितना है। समय आपने व्यय इसमें खपाए उतने में तो बात आ जाता है, फिर हम देते फिर देते महोदय हम यहाँ आप बोल लीजिए ना थोड़ा, फिर देंगे ना समय, देंगे समय आपको, देंगे बोलिए बोलिए, आप शुरू करिए शुरू करिए भानु जी। अच्छा हम कैसे, हम सीपी बाबू को बैठा है आग्रह करके, आपको भी आग्रह करते हैं, आपको भी आग्रह करते हैं, आप भी बैठे बोल चलिए, आप आपका तो भाई विशेष आप है ही, हम लोगों के गार्जियन है आप रखा है, हम आपसे बाहर नहीं, चलिए हम भी आपसे बाहर नहीं है, ये बात हम लोग 5 साल से समझा रहे हैं आपको, विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। महोदय हेमंत जी आए हैं, उनको एक बार बधाई फिर से, 5 साल में दूसरी बार सरकार बना करके विश्वास का मत हासिल करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि भाई मंत्रिपरिषद पर विश्वास का प्रस्ताव पेश करता हूं, ये बात सही है कि मुख्यमंत्री खुद में पूरे मंत्रिपरिषद के दायित्व को समाहित करता है, लेकिन आप एक घंटे के बाद अभी मंत्रिपरिषद के विस्तार के लिए जाने वाले, अगर बेहतर होता कि आप मंत्रिपरिषद के सारे लोगों के साथ यहां बैठते और अपने पूरे मंत्रिपरिषद पर आप विश्वास प्रकट करने के लिए यहां मत रहते, ये आपका विशेषाधिकार था और आपने उसका प्रयोग किया, लेकिन इसका मैसेज यही गया है कि आप अपने विधायकों पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे, सभी के मन में ये उत्तरार्ध में 2 महीने में मंत्री बनने की लालसा है, और मंत्री बनने की लालसा इतनी प्रकट है कि आपने सबको एक लॉलीपॉप पकड़ा के रखा है कि हम सबको मंत्री बनाएंगे, ये सरकार की बुनियाद ही धोखे से हुई है, ये सरकार ने अपना घोषणा पत्र में ही धोखा लिखा है, इस सरकार ने जो 2019 में अपने लिए बहुमत हासिल किया, इस सरकार का एक प्रबल नारा था, वो था प्रत्येक बेरोजगारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रोजगार देना, नौकरी देना, सरकारी नौकरी देना, और नौकरी ना मिले तो 5,000 और 7,000 का बेरोजगारी का भत्ता देना, ये सरकार का एक बहुत बड़ा युवाओं को ठगने के लिए एक ऐसा जाल था, एक ऐसा ट्रेप था जो इन्होंने प्रयोग में लाया, उससे 2 कदम आगे बढ़ करके हेमंत जी ने एक और विषय कहा था, हेमंत जी ने कि अगर मैं ये नहीं कर पाऊं तो राजनीति से संन्यास भी ले लूंगा, मैं नहीं कह रहा, कई एक वीडियोज पूरे देश झारखंड में वायरल है, आप वहां कह करके आप सरकार सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद ये चाहे सहायक पुलिसकर्मी जो अभी यहां तक पहुंचे हुए हैं, आप आ रहे होंगे तो देखे होंगे, इन सहायक पुलिस कर्मियों को भी आपने कहा था कि हम आएंगे तो इनको भी हम परमानेंट करके इनके सैलरी और बाकी डीएटीए सब बढ़ा लें, हद तो तब हो गई जब आपके मंत्री और आप लोगों ने ऐसा घोषणा करके माला पहन लिया, मिठाइयां खा ली, और मिठाइयां माला खाने के बाद भी आज जब आप उत्तरार्ध में हैं, आप जाने वाले हैं, तब भी
वो वहां बैठ करके अपने उसी मांग के लिए आज भी अपने बाल बच्चे के साथ यहाँ ठग करके यहाँ पहुंचे हुए। तो मैंने कहा कि ये सरकार ठग करके ही सरकार सत्ता में आई है और ठग करके ही इन्होंने 5 साल ये सत्ता चलाई है। जब जब युवाओं का आक्रोश बढ़ा, जब जब महिलाओं का आक्रोश बढ़ा, फिर कोई ठगने की नई स्कीम लेकर के आप चले। आप कहें कि भाई इस बार हम आएंगे तो 1 लाख रुपए 1 जुलाई को दे देंगे, खटाखट 8,500 रुपया दे देंगे। ऐसा कहकर के आपने चुनाव में जाने का वायदा किया और चुनाव में गए, 1 जुलाई भी पार हो गई, किसी को एक पैसा नहीं मिला। अभी आप कह रहे हैं 1 लाख दे करके भाई इतना देंगे। महोदय, इस सरकार में 4 महीने से पेंशन नहीं मिला है। जिस योजना का ये ढिंढोरा पीटते हैं, बूढ़े बूढ़ियों को 4 महीने से पेंशन नहीं मिला है। जिन अन्य योजना का आप ढिंढोरा पीटते हो, 11 महीने 12 महीने से ग्रीन कार्ड होल्डरों को अन्न नहीं मिला है। कितना ठगिएगा महाराज? जो परीक्षाएं आपने ली, वो परीक्षाएं एक भी परीक्षाएं फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। सब में कदाचार के आरोप लगे। जैसे सीजीएल के जितनी एग्जामिनेशन हुए, सारे एग्जामिनेशन में कदाचार का आरोप लगा। पीजीटी के अभ्यर्थी आज सड़क पर है, उन्होंने बकायदा पूरे उदाहरण के साथ दिखाया है कि किस तरह से सेटवेट इंफोटेक, जिसने इस एग्जाम को कंडक्ट किया है, उस सेटवेट इंफोटेक को जैसे सीजीएल के एग्जाम में गड़बड़ी के कारण ब्लैकलिस्ट किया गया, उसने ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराया। बाकी राज्यों में वो ब्लैकलिस्टेड है, आपने ब्लैकलिस्ट कराया और उसी से एग्जाम भी ले रहे। आपने जेई के एग्जाम में FIR दर्ज किया, FIR आगे नहीं बढ़ा। एक गिरफ्तारी के बाद उसका जो है वो परीक्षा रद्द हुई, लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंचा। सीजीएल में जो गड़बड़ियां हुई, उसके लिए SIT का गठन हुआ, विधानसभा के 2 स्टाफ पकड़े गए, लेकिन उस SIT का जांच का कोई नतीजा नहीं पहुंचा। और अभी PGT का मामला, ये पूरे मामले जो हम लोग देख रहे हैं, युवाओं को पहले तो 5 लाख नौकरी तो बहुत दूर की बात है, जो 500,000 जो नौकरियां आप देने के लिए आगे बढ़े, वो भी नौकरी देने के नाम पर नौकरियों को बेचा गया। सारे नौकरियों को आपने बेच दिया, सारे एग्जामिनेशन आपने बेच करके जैसे CGL के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा, बावजूद इसके भी आपने उस जांच को पूरी तरह से एकदम ठंडे बस्ते में रख दिया। क्योंकि इसकी सीधी आज आप तक पहुंचने वाली थी, सरकार तक पहुंचने वाली थी, ये सीधी आज आप तक पहुंचने वाली थी, आपने उसका कोई ध्यान नहीं लगाया। कई एक अनुबंध कर्मी, वो चाहे पोषण सखी हो, चाहे और सहिया कर्मचारी हो, वो सारे लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। अब पारा शिक्षक भी, जिनसे आपने मालाएं पहनी, वो भी आज सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं। महोदय, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठगबंधन सरकार थी जो ठग करके सरकार बनाई और वायदा खिलाफी करके आज सरकार को आगे बढ़ाने का काम किया। महोदय, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है? कल मुख्यमंत्री जी जगन्नाथ मंदिर में रथ पूजा कर रहे थे, विधानसभा का सत्र आहूत था और 500 मीटर के दायरे में दिन दहाड़े एक पार्षद को गोली मार दी गई। बगल में गोली मार करके दुकान लूट लिया। कुछ दिन पहले दुकानें लूट ली गई, पूरे झारखंड में एकदम से अराजकता है। लोग कह रहे हैं ना, महाठगबंधन अराजकता, इसी की अब जंगल राज को भी लोग अब उपमा देना नहीं चाह रहे, इतना गंदा तरीके से यहां स्थितियां हो गई है। और ये सारा जो हम लोग गए वहां पे, सारे लोगों का एलिगेशन प्रशासन पर है कि प्रशासन के कारण उनके संरक्षण में सब चीजें हो रही। जब वो पार्षद वेद प्रकाश ने बताया था कि उनके जान को खतरा है, जब DSP और सभी लोगों को इस तरह के मालूम थे, तो फिर क्यों नहीं उस पे जो उसको बचाने का काम किया, क्यों गोलियां चली? क्यों अभी तक CCTV और इतना लाखों लोग रहने के बाद भी ये घटना घटित हुई और अभी तक पकड़ा नहीं किया गया? ये सारे चीजें आज झारखंड के अंदर तैर रही है। महोदय, डेमोग्राफी जिसको हम लोग कहते थे, आप कह देते कि भाई डेमोग्राफी जो है, ये जो इसका बात करते हैं, ये राजनीति करते हैं, ये राजनीति की बातें करते हैं, लेकिन हकीकत ये है महोदय कि संथाल प्रणाली में डेमोग्राफी आज चेंज हो गई है। और ये बातें हाई कोर्ट ने भी मानी, हाई कोर्ट ने भी ये साफ निर्देशन दिया और ये स्टैंडिंग ऑर्डर शुरू गवर्नमेंट नहीं दिया,
उन्होंने सीधे उपायुक्तों को कहा, ये सरकार को समझना होगा कि संथाल पना के जिलों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है और संथाल पना के सारे डीसी इस बात को जानकारी रखे और आपस में समन्वय बना करके इस डेमोग्राफी को कैसे हम रोके, इस डेमोग्राफी चेंज को कैसे रोके, इसके लिए कार्रवाई करें। महोदय हद तो तब हो जाती है जब गोपीनाथ भी गोपीनाथपुर पाकुड़ का एक सारे हिंदू आबादी है और किस तरह से पर्व में पर्व की आड़ लेकर के पश्चिम बंगाल से लोग घुसते हैं सैकड़ों की संख्या में और घुस करके हिंदू आबादी पर आक्रमण कर देते हैं, आक्रमण करके उनके घरों को जला देते हैं, बमबाजी करते हैं और जो बंगाल की स्थिति परिस्थिति है आज डेमोक्रेसी वहां जिस तरह से पश्चिम बंगाल में खत्म हो गई है, लोकतंत्र बचा नहीं है, चुनाव वहां फिर एनफेयर होता नहीं है, टीएमसी के गुंडे वहां राज करते हैं और टीएमसी के गुंडे पुलिस के राइफल लूट करके वहां गोलियां चलाने के काम करते हैं। एफआईआर में वहां का झारखंड में जो एफआईआर हुआ उसमें कहा गया पुलिस के हथियार लूट करके पश्चिम बंगाल से इतने उन लोगों का मन बड़ा हुआ है, उन लोगों ने गोलियां चलाई पूरी तरह से एक तरह से आक्रमण करने का। जब हम लोग गए तो लगा ही नहीं कि वो अंतरराज्यीय विषय है, ऐसा लगा कि अंतरदेशीय विषय है। ये इतना घटना होने के बाद भी जब वहां के पूरे ग्रामीण पुलिस पैकेट के बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा, लोग बोलने दीजिए, उनको उनके जमीनों को लूट लिया जाएगा, उनको वहां से भगा दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहां के लोग कह रहे हैं, एफआईआर में बताया गया है, ये डेमोग्राफी चेंज की जो विषय है उसको बताया गया है। आज उनको भगाने के लिए जो काम किया जा रहा है, आज लोग डरे हुए हैं, उनको लग ही नहीं रहा है कि हम यहाँ पर हैं, उनको लग रहा है कि हम बांग्लादेश में हैं। उनको संरक्षण देने का काम कौन करेगा, महोदय ये मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ना किसी मंत्री का कोई बयान आया, ना मुख्यमंत्री का बयान आया, वो इतने हतोत्साहित थे, उनको लगता था कि हमें अपने जमीन से कहीं उद्वास्तु कर दीजिए, कहीं दूसरी जगह ले जाइए। ऐसे ही अगर हिंदू भागता रहा तो बंगाल की खाड़ी में भी उसको जगह नहीं मिलेगा। महोदय ये डेमोग्राफी चेंज को लेकर के इस सरकार के पास क्या जवाब है, उनको देना चाहिए। हुल दिवस अभी मनाया हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी गए वहां 1855 में, सिद्धू कानू ने 50,000 लोगों को वहां भोगनाडी में एकत्रित किया था, आंदोलन की बिगुल फूकी थी अंग्रेजों के खिलाफ, अपने परंपरा को बचाने के लिए, अपने आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए, अपने जल जंगल जमीन माँ बेटी रोटी को बचाने के लिए वो आंदोलन किए थे उस समय 50,000 1855 में। महोदय वो भोगनाडी में जो सिद्धू कानू जी का जन्म स्थली है, उस भोगनाडी में अब 7 परिवार ही आदिवासी बचे हैं, बाकी सारा परिवार चेंज हो गया है। भाई जब आदिवासी बचेगा नहीं, तो आप किस आदिवासी अस्मिता की बात करेंगे। महोदय 1951 में हो गया, 1951 में संथाल परगना में 44.67% अब हो गया 45% आदिवासियों की आबादी थी, लोगों की आबादी 9% थी। अमर बाबू हो गया 2011 में जो सेंसस है उसमें अमर बाबू आदिवासियों की आबादी 44% से घट करके 28% हो गई और मुसलमानों की आबादी 22% हो गई। आगे 10 साल में भी यदि होगा तो मुस्लिम आबादी आदिवासी आबादी के साथ जुड़ जाएगी। महोदय वो आदिवासी जा कहां रहे हैं, लैंड जिहाद, लव जिहाद, अब तो वोट जिहाद भी आ गया है। अगर आप ये सरकार जो आदिवासी हित की बात करती है, अगर इसका संरक्षण नहीं करती है, अगर उनको बचाने का काम नहीं करती है, माँ बेटी रोटी बचाने का काम नहीं करती है, हकीकत में सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कथनी और करनी में अंतर नहीं करना होगा। आने वाली पीढ़ी आपको कभी इस बात के लिए जरूर जवाब मांगेगी और अपने को माफ नहीं कर पाएगी कि भाई हमारे लिए हमने जिसको खड़ा किया, जिस पे विश्वास किया, उसके साथ क्या अत्याचार किया, क्या अन्याय किया। महोदय ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, इन्होंने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड तैयार किए हैं। अभी उनके एक मंत्री जेल में है, टेंडर घोटाले को लेकर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा तक का इसमें लगा है। आप समाप्त कर। महोदय इस सरकार को जो सरकार दोबारा आने वाली नहीं है, झारखंड की जनता कह रही है। इस भ्रष्टाचारी सरकार जिसपे इतना बड़ा एलिगेशन लगा, 5 साल में पहली बार ये साइकिल वितरण करे,
साइकिल वितरण में भी जब हम लोग गए तो देखे एक नया कंपनी आ गया है क्रॉस, एक नया कंपनी ही ले आए। ये कंपनी बनाने में, साइकिल बनाने में 5 साल लग गए। महोदय, यहाँ के बच्चियों को साइकिल तक मयस्सर सरकार ने नहीं कराया। चलिए, यहाँ के लोगों को चावल नहीं दिया, यहाँ के लोगों को जीने के लिए एक अधिकार नहीं दिया। जो दुष्कर्म की घटनाएं यहाँ हो रही है, जिस तरह से बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, जिस तरह से हत्याएं हो रही है, सिमडेगा के अंदर तीन से ज्यादा प्रतिपक्ष की घटनाएं हो गई है। आवंटित समय एक सेकंड भी आपने नहीं छोड़ा। ये दो महीने एक सेकंड भी आपने नहीं छोड़ा। सरकार बनी है, हो गया। ये दो महीने की जो सरकार बनी है, ये सरकार किस लिए बनी है? 5 लाख रोजगार देने के लिए बनी है, 5,000-7,000 बेरोजगारी का। एक मिनट में सर, एक मिनट। ये सरकार उन तमाम अनुबंध कर्मियों को करने के लिए बनी है, या ये सरकार अपने सारे सच मिटाने के लिए बनी है? जो घोटाले हैं, जो घपले हैं, वो घटले घपाले को माननीय नेता पर सच मिटाने के लिए सरकार बनी है। माननीय नेता पर सरकार को बताना चाहिए आपको आसन विशेष अधिकार। और अब आप हो गया, बहुत चलिए, हो गया। आप आसन को धन्यवाद नहीं दिए, आप आसन को धन्यवाद नहीं, धन्यवाद देते हुए इस आग्रह के साथ चलिए। एक पक्षीय नहीं होना चाहिए, उधर से एक बोलने के बाद अपने दल के एक व्यक्ति को जरूर बोलने का मौका दिलाना। माननीय सदस्य श्री चंपाई सोरेन जी, माननीय सदस्य श्री चंपाई सोरेन जी, महोदय